सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल कांग्रेस की प्रधान प्रतिभा सिंह ने रामपुर च कांग्रेस उम्मीदवार ते उन्हां दे बेटे विक्रमादित्य सिंह दे प्रचार दौरान कंगना रनौत ते चुटकी लैंदे कहा कि कंगना रनौत नूं देखण लई भीड़ इकट्ठी हो रही है, भीड़ वोटां विच नहीं बदलेगी। कांग्रेस प्रधान प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र दा समुचा मीडिया ते सोशल मीडिया उस नूं ही हाईलाइट कर रहा, हर कोई उस नूं दिखा रहा। जदों लोग फेसबुक जां वट्सएप ते देखते हैं तो उन्हां नूं लगता है कि असीं भी देखना सी कि उह किवें दी लगदी, असीं देखना चाहुंदे सी कि परी किन्नी खूबसूरत है। उसने कहा कि कुछ लोग यह वेखण जा रहे हैं कि उह चीज़ की कई बार अट्रैक्शन हुंदी है कि यह चीज़ की अजिहा नहीं, असीं यह भी जाणदे कि कुछ लोग सिर्फ इस नूं देखण ही जा रहे हैं। कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी गई है। कोरोना महामारी दौरान टीकाकरण कराने तो बाद केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय वालों सर्टिफिकेट जारी किए गए सन, जिसके हेठां पीएम मोदी तस्वीर हुंदी सी। तस्वीर ते कैप्शन च लिखा सी टुगेदर इंडिया विल डिफीट कोविड 19। हालांकि हाले कैप्शन मौजूद है पर पीएम मोदी की फोटो गायब है। दरअसल संदीप मनुधाने नाम के एक सबका उपभोक्ता ने अपने कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट की तस्वीर साझी करते कहा कि इस तो पीएम की फोटो हटा दी गई है। उन्होंने लिखे कि मोदी जी हुण कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से नजर नहीं आ रहे, उन्हें वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करने लिए डाउनलोड किया तो उसे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। बीते दिन खबर आई थी कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कतल का मास्टरमाइंड ते भारत के मोस्ट वांटेड अतवादी गोल्डी ब्राड को मार दिया गया। इस दौरान हुने गल सामने आई कि कतल होया पर गोल्डी ब्राड का नहीं, सगो इस बजाय किसी होर व्यक्ति का जो बिल्कुल उस वर्गा दिसदा सी, जो मूल रूप से अफ्रीका का रहने वाला सी। सूत्रों के हवाले नाल भी गल सामने आई कि जो उस व्यक्ति का कतल किया गया तो उतों लंघ रहे एक पंजाबी ने सोचा कि गोल्डी ब्राड है जिसका कतल होया, फिर उसने अफवाह फैलाई कि गोल्डी ब्राड का कतल हो गया। दिल्ली महिला कमिशन दिया 223 मुलाजमान नूं तुरंत प्रभाव नाल बर्खास्त कर दिया गया। कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना के हुक्मां ते की गई है। इल्जाम ने कि दिल्ली महिला कमिशन तत्कालीन चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने नियमों के उल्ट जाके उन्हां दी बिना इजाजत नियुक्त की थी। कोरोना वायरस नूं कंट्रोल करने लिए लाई गई वैक्सीन कोविशील्ड के माड़े प्रभावों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से एक अर्जी दायर की गई जिस मेडिकल माहिरां दा पैनल बनाउण ते इसके माड़े प्रभावों की जांच करने की मांग की गई है। पटीशन सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवाड़ी ने दायर किए दायर अर्जी च कहा गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन विकसित करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने लंदन में मन्निया है कि बहुत घट मामले च खून के थक्के बनन जां प्लेटलेट की गिनती में कमी आदि का कारण बन सकती है। चीन के ग्वांगडोंग सूबे च एक वड्डा हादसा वापरे, एक हाईवे ते अजान कारण 24 लोगों की मौत हो गई। इस दे नाल ही 30 लोगों को हस्पताल च भर्ती करवाया गया। डाक्टरों ने उन्हां दी हालत खतरे तो बाद दस्सी। कई दिनों तो पै रही भारी बारिश नूं हादसे का कारण दस्सिया जा रहा है। दस्सिया जा रहा है कि मिलांग एक्सप्रैस वे का 17.9 मीटर हिस्सा टुट के डिग गया। हालांकि हादसे नूं लैके कोई प्रशासनिक बयान सामने नहीं आया। इस दे नाल ही हाईवे के टुटन तो बाद हेठां पहाड़ी खेतरां विच वड्डे पद्धर ते गैस लीकेज देखी गई। पीजीआई ने न्यू ओपीडी चाहने वाले मरीजों लिए एक होर राहत वाला फैसला लिया। पीजीआई प्रशासन ने मरीजों के डाक्टरी ते लैब की जांच लई समा स्लॉट देने की तैयारी कर ली। पीजीआई प्रशासन वालों जारी हुक्मां च लिखा गया कि हुण तक देखा जा रहा है कि ज्यादातर मरीजों नूं इको दिन ते तरीक दी जाती है। अजिही स्थिति च नुकसान यह हुंदा है कि मरीजों की गिनती काफी बढ़ जाती है। गिनती ज्यादा होने कारण अपनी वारी लई घंटे वधे इंतजार करना पैंदा। इस नूं ध्यान च रखते हुए फैसला किया गया कि टैस्ट लई मरीजों लई समा स्लॉट भाव वखरा दिन ते समा निर्धारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू ब्याह नचन खान पीन जां व्यापारक लैण देण दा मौका नहीं है। जायज़ रस्मां नूं पूरा किए बिना किसी भी ब्याह नूं हिंदू ब्याह एक्ट अधीन मानता नहीं दी जा सकती। जस्टिस बीवी नागरत्ना ते जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसीह दे बेंच ने कहा कि हिंदू ब्याह एक संस्कार ते पवित्र बंधन है, इस नूं भारतीय समाज च बहुत महत्व दित्ता जांदा है। कुछ दिन पहलां पास किए गए अपने हुक्म च बेंच ने नौजवानां ते मुटियारां नूं ब्याह दे बंधन विच बझण तों पहलां डुंघाई नाल सोचण दी अपील की, क्योंकि ब्याह भारतीय समाज दा इक पवित्र बंधन है। चंद्रमा के ध्रुवी टोया च बर्फ के रूप में वड्डी मात्रा में पानी हो सकता है, इस गल का पता एक अध्ययन तो लग्या। भारतीय पुलाड खोज संगठन इसरो ने यह जानकारी दी। इसरो ने एक रिलीज च कहा कि अध्ययन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो के विज्ञानियों द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर दक्षिणी कैलीफोर्निया यूनीवर्सिटी जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी और IIT धनबाद के खोजकर्ताओं के सहयोग नाल किया गया। रिलीज के अनुसार ताजा अध्ययन दर्शाते हैं कि पहले कुछ मीटर में सतह की बर्फ की मात्रा दोवें ध्रुवों से सतह नाल लगभग 5 से 8 गुणा वध है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान ते लुधियाणा तो पार्टी के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजावड़ी ने कहा कि लुधियाणा नूं जल्दी ही उस गुमशुदा संसद मैंबर तो छुटकारा मिल जाएगा जिसनूं शहरवासी पिछले 10 सालों तो चल रहे हैं। वड़िंग ने कहा कि गुमशुदा दे पूरी तरह गायब होने की आखिरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सिर्फ 34 दिन होर बाकी ने। चोणां तो बाद 4 जून लोगों इन्हां तो छुटकारा मिल जाएगा। वड़िंग ने कहा कि 10 सालों तक लुधियाणा के लोगों को अपने संसद मैंबर की एक झलक देखने या उसकी आवाज सुनने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
उत्तर प्रदेश के मशहूर लोग सभा हल्किया अमेठी से रायबरेली नामजदगी की म्याद खत्म होने से सिर्फ तीन दिन बचे ने, पर कांग्रेस के उम्मीदवार लेकर अजे भी सस्पेंस बनिया हुआ है। पिछले कई दिनों से इस लैके अटकल लगाई जा रही ने कि इन दोवे सीटों तो राहुल गांधी से प्रियंका गांधी चोन लड़ सकते हैं। अमेठी लोग सभा सीट तो उम्मीदवार वजो गांधी परिवार के किसी मैंबर के ना का ऐलान न किए जाने तो नाराज कांग्रेसी वर्करा ने अज गौरीगंज स्थित केंद्रीय दफ्तर अगे धरना शुरू कर दिया। सूत्रों का कहना है कि पार्टी अमेठी से रायबरेली तो उम्मीदवार का फैसला करने के आखिरी पड़ा से है, नावों का ऐलान जल्दी ही कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश प्रधान श्याम किशोर गुप्ता के खिलाफ सैक्टर 36 स्थित साइबर क्राइम थाने में एसटीएफ की तरफों आदित्यनाथ की जाली वीडियो इंटरनेट मीडिया साइट एक्स उत्ते पोस्ट करने के दोष च केस दर्ज किया गया। नोएडा के सब इंस्पैक्टर दीपक कुमार वालों साइबर क्राइम थाने में दी शिकायत में कहा गया कि एक एक्स आई डी तो श्याम गुप्ता वालों सवेरे 9:30 बजे एक्स से एक डीप फेक वीडियो अपलोड की गई, जिस कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैदान च आ गए हैं। दिल्ली के सबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी घोटाले संबंधी सीबीआई ते ईडी मामले में जमानत देने इनकार करने की हेठली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले का जिक्र कार्यकारी चीफ जस्टिस के सामने किया गया, अदालत ने इस शुक्रवार को इस सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। 30 अप्रैल को हेठली अदालत ने सिसोदिया की पटीशन खारिज कर दी थी। फिलहाल स्पीड न्यूज में बस इना ही, मैनू दो इजाजत, धन्यवाद।